मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या, खुद को दुनिया से मुख्तलिफ जाना, खुद को दुनिया से मुख्तलिफ जाना। आ गया था मेरे गुमान में क्या, है नसीमे बहार गर्द आलूद, है नसीमे बहार गर्द आलूद। खाक उड़ती है इस मकान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू। कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज हम उर्दू के मुमताज़ शायर जॉन एलिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर था और वो 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा हिंदुस्तान में पैदा हुए। आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके वालिद सैयद इलामा शफीक हसन एलिया उर्दू, फारसी, अरबी और इब्रानी जुबान के आलम थे, जबकि उर्दू के मारूफ शायर रईस अमरोही आपके बड़े भाई थे। रईस अमरोही ने जंग अखबार में रोज़ाना किता लिखकर शोहरत हासिल की। जॉन के एक और भाई सैयद मोहम्मद तकी भी थे, जो नामवर सहाफ़ी गुजरे हैं। इसके अलावा जॉन के भांजे सात कैन थे, जो मुमताज़ मुसव्वर और ख़त्तात होने के साथ साथ रुबाई के उम्दा शायर भी थे। मुमताज़ अदीबा और मारूफ कॉलम निगार जाहिदा हिना आपकी शरीक हयात रह चुकी हैं। जॉन ने पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। जॉन ने 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और शहर कराची में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। जल्द ही वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। उनकी शायरी उनके मतनवा मुताले की आदात का वाजिया सबूत थी, जिस वजह से उन्हें वसी पजीराई नसीब हुई। दिल जो है आग लगा दूं इसको, दिल जो है आग लगा दूं इसको, और फिर खुद ही हवा दूं इसको। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। उनका पहला शेरी मजमूआ शायद उस वक्त शाया हुआ जब उनकी उम्र 60 साल की थी। नियाजमंदाना के उनवान से जॉन एलिया के लिखे हुए इस किताब के इब्तदाइये में उन्होंने उन हालात का बड़ी गहराई से जायज़ा पेश किया जो उनकी फिक्री फ़न की असास बने। उनकी शायरी का दूसरा मजमूआ यानी उनकी वफ़ात के बाद 2003 में शाया हुआ और तीसरा मजमूआ बाउनवान गुमान 2004 में शाया हुआ। लेकिन 2006 उनका मजमूआ कलाम, लेकिन 2006 गोया, 2008 और इसके अलावा मुख्तसर मजामीन का मजमूआ फरनूत 2012 में मंजर आम पर आ चुका है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है। तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा। बहुत दिल कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या। जॉन ने नज़रअंदाज शुदा रुमानवी मजामीन को दोबारा अपनी गज़ल का मौजू ज़रूर बनाया, लेकिन वो रिवायत के रंग में नहीं रंगे, बल्कि उन्होंने इस कदीम मौजू को ऐसे मुनफरिद अंदाज से बरता के उनकी शायरी मुनफरिद और मायारी लगी। जॉन एलिया तराजिम और तदवीन जैसी मसरूफियात में भी मशगूल रहे। उनके तराजिम और नसरी तहरीरें आसानी से दस्तियाब नहीं हैं। जॉन एलिया ने अरबी, अंग्रेज़ी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी ज़ुबानों पर अबूर हासिल कर रखा था।
उन्होंने उर्दू शायरी को एक नई रोशनी से रोशनास करवाया। उनकी मतबूआ नसरी कुतब में हसन बिन सबाह और जौहर सकली शामिल हैं। फ़लसफ़ा, मंतक, इस्लामी तारीख, इस्लामी सूफ़ी रिवायात, इस्लामी साइंस, मगरबी अदब और वाक़या करबला पर जॉन का इल्म किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था। इस इल्म का नचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में भी दाखिल किया ताकि ख़ुद को अपने हम असरों से नुमाया कर सकें। जॉन एक अदबी रिसाले इंशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू की मुसन्निफा ज़ाहिदा हिना से हुई, जिससे बाद में उन्होंने शादी कर ली। ज़ाहिदा हिना तरक्की पसंद दानिश्वर हैं और अब भी दो रोज़नामों जंग और एक्सप्रेस में हालात हाज़रा और मुआशरती मौजूआत पर लिखती हैं। जॉन के ज़ाहिदा से दो बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। 1980 की दहाई के वस्त में इन दोनों में तलाक हो गई। इसके बाद तन्हाई के बाइस जॉन की हालत अबतर होती चली गई और उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। वो कराची में सखी हसन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2000 में उन्हें सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। जॉन एलिया की ज़िंदगी मुआशरे, रिवायात, मयारात और आम डगर से खुली बगावत से इबारत थी। यही बगावत जॉन एलिया की शायरी को दीगर शायरों से मुमताज़ और मुनफरिद बनाती है। फ़लसफियाना सवालात, खुदा से तकरार, मुआशरे से अदावत, खुद अजियती, इश्क में नाकामी, गुस्सा और बेजारी जैसे अनासिर ने जॉन को उर्दू शायरी के उन मकातीब में शामिल कर दिया जो इससे कबल चंद ही शोरा के हिस्से में आ पाए थे। अपनी ज़िंदगी ही में बेपनाह मकबूलियत हासिल करने वाले जॉन एलिया को उनकी ज़िंदगी के बाद उससे भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इसकी अहम वजह शायद ये थी कि ज़िंदगी में सिर्फ उनका एक मजमूए कलाम शाया हुआ था और इसमें उनके ख़ास दोस्त खालिद अहमद अंसारी का अहम मुकाम है, क्योंकि 8 नवंबर 2002 में जब जॉन का इंतकाल हुआ उस वक्त उनका एक शेरी मजमूआ शायद मंजरे आम पर आया था। उसके बाद दूसरा मजमूआ कलाम यानी 2003 में इशाअत पज़ीर हुआ, जिसकी तरतीब जॉन एलिया ने खुद अपने हाथों से की थी लेकिन उसे शाया नहीं करवा सके थे। उसके बाद उनके दीगर शेरी मजमूए खालिद अहमद अंसारी की कोशिशों से मंजरे आम पर आए और जॉन एलिया पूरी दुनिया में छा गए। मुशायरों में शिरकत करने की वजह से शुरू में लोग उन्हें सिर्फ गज़लों का शायर तसव्वुर किया करते थे, लेकिन वो नज़मों और क़िताअत के शायर भी हैं। उनकी बाद की आने वाली किताबों में उनके क़िताअत और नज़में शामिल हैं। एक किताब मुलाहिज़ा कीजिए, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जॉन एलिया को हमसे बिछड़े आज 18 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी शायरी के ज़रिए हम में आज भी ज़िंदा हैं। हमसे बेवास्ता नहीं है वो, हमसे बेवास्ता नहीं है वो यहीं था, यहीं कहीं है वो, कर गया है वो रम किसी जाने, कर गया है वो रम किसी जाने, एक गज़ल ज़मीं है वो।